हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशिप काशिप रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स के दरमियान गिमेट्स का एक्सचेंज होता है, दो कंपेटेबल न्यूक्लियाई या दो सोमेटिक सेल्स या दो सोमेटिक हाइफा किस फॉर्म और कौन से डिफरेंट मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन डिफरेंट मेथड को आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गेमेट्स। इस टाइप की जो सेक्सुअल फ्यूजन होते हैं, इसमें दोनों गेमेट्स नेकेड होते हैं। बोथ आर वन ऑफ दीज गेमेट्स मे बी मोटाइल। दोनों गेमेट्स या दोनों में से कोई एक गेमेट्स मोटाइल होगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट वन एक टाइप आपको नजर आ रही है आइसोगैमी, जिसमें आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स गेमेट्स, जिसमें दोनों गेमेट्स शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम हो तो उसे हम आइसोगैमी कहेंगे। आपको मेल गेमेट और फीमेल जो एग है वो दोनों सिमिलर नजर आ रहे हैं, दोनों शेप और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, प्लेजेल है। नेक्स्ट है अनिसोगैमी। अनिसो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स गेमेट्स, जो शेप के हिसाब से डिफरेंट हो और स्ट्रक्चरली सेम हो तो उसे हम अनिसोगैमी कहेंगे। नेक्स्ट है ओगैमी। ओगैमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर और शेप दोनों ही डिफरेंट होती हैं। जो मेल गिमेट है वो साइज में समाल और मोटाइल है, ये हमारे पास मेल गिमेट है। और हमारे पास जो एग है वो ये हमारे पास फीमेल एग है, जो लार्ज में साइज और नॉन मोटाइल है। इसके एग्जाम्पल को देखें तो प्लाज्मा मोडिफोराइज की कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मेथड है गेमेटेंजियल कंटेक्ट। द टू गेमेटेंजी ऑफ अपोजिट सेक्स कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर, द मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट इन टू द फीमेल गेमेटेंजियम। गिमेटेंजिया क्या होता है, वो ऑर्गन जिसमें गिमेट्स प्रोड्यूस हो उसे हम गिमेटेंजिया कहेंगे। दो अपोजिट सेक्स जब कंटेक्ट में आते हैं तो मेल ऑर्गन एंथ्रिडियम में से न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाता है ओगोनियम में। अब ये किसके जरिए होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ वॉल हो सकता है या किसी पोर के जरिए हो सकता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एंथ्रिडियम नजर आ रहा है जो कि मेल ऑर्गन है और ओगोनियम जो कि फीमेल ऑर्गन है, तो इसमें जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो माइग्रेट कर जाएगा ओगोनियम में। देखें ये आपको एक मेल न्यूक्लियाई नजर आ रहा है जो कि माइग्रेट कर गया है एंथ्रिडियम टू ओगोनियम। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। नेक्स्ट मेथड है गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। इंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ फीमेल गेमेटेंजिया इज ट्रांसफर्ड इन टू द फीमेल गेमेटेंजिया इन्वॉल्व ए कम्प्लीट फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। जब आपस में दो गेमेटेंजिया कंटेक्ट में आएंगे, जो मेल गेमेटेंजिया का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाएगा फीमेल गेमेटेंजिया में। इसके एग्जाम्पल जो है राइजोपस एंड म्यूकर। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको गेमेटेंजियल कॉपुलेशन नजर आ रहा है कि जिसमें एक नेगेटिव स्टैंड हाइफा है और एक पॉजिटिव स्टैंड है, तो ये हमारे पास गेमेटेंजिया है। तो जैसे आपस में कंटेक्ट में आते हैं तो देखें इनकी प्लाज्मोगैमी हुई है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगी, जिसमें मेल गेमेट का जितना भी मटेरियल होगा कंटेंट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल गेमेटेंजिया में। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। ये मोस्टली एडवांस फंजाई में होता है। जब मेल ऑर्गन एंथ्रिडियम अब्सेंट होता है तब स्पर्मेटाइजेशन एज ए बिहेव लाइक करता है एंथ्रिडियम के। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, सम फंजाई प्रोड्यूस मेनी मिन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिया, जो कि यूनिन्यूक्लियोट होता है और कुनिडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पर्मेटिया कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि कुनिडिया की तरह होता है, नेकेड उसके ऊपर सेल्स होते हैं। जैसे ये सेल्स किसी सोर्स के जरिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है या इंसेक्ट हो सकती है, तो इन सोर्स के जरिए वो जब फीमेल एग के रिसेप्टिव हाइफा जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, ट्राइकोगाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका जो अपर एंड होता है वो एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट में। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा स्पर्मेटिया जैसे ही रिसेप्टिव हाइफा के साथ लगता है वहां पर ये डिसोल्यूशन हो जाता है और जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एज ए फीमेल गेमेटेंजियम में, तो वहां से डाइक्रोटिक स्टेज बनता है। तो सो हम इसको रीड करते हैं, दिस स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर्ड थ्रू सोर्स लाइक वाटर, विंड एंड इंसेक्ट। द स्पर्मेटियम अटैचेस टू द ट्राइकोगाइन ऑफ फीमेल एंड ऑल कंटेंट माइग्रेट इन द फीमेल गेमेटेंजियम एंड डाइक्रोटिक कंडीशन अकर। डाइक्रोटिक कंडीशन जो होती है, एक सेल में जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसे हम डाइक्रोटिक कंडीशन कहते हैं। ये मोस्टली एडवांस फंजाई में होता है। इसके एग्जाम्पल है पक्सेनिया। नेक्स्ट मेथड है सोमेटोगैमी।
द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स ऑफ सोमेटिक हाइफा ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड सोमेटोगैमी। दो सोमेटिक जो हाइफा होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं तो इस टाइप की जो फ्यूजन होती है उसको हम सोमेटोगैमी होती है, जो उस वक्त होता है जब फंजाई सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रोड्यूस करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सोमेटोगैमी यानी दो हाइफा नजर आ रहे हैं, और दो हाइफा जैसे भी आपस में कंटेक्ट में आते हैं तो एक हाइफा का जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट कर जाता है दूसरे हाइफा में, जिससे डाइक्रोटिक स्टेज होता है, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपस में फ्यूजन नहीं करते, तो इसको हम डाइक्रोटिक कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो मार्क खेला है। नेक्स्ट नोट है पैरा सेक्सुअलिटी। पैरा मींस बिसाइड प्लस सेक्स, ए साइकिल इन विच प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन सीक्वेंस बट नॉट ए स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड पॉइंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी वो फंजाई जिसमें प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी मियोसिस होती है सीक्वेंस में बट स्पेसिफिक टाइम में नहीं होती, जब उसकी जरूरत होती है वो डिफरेंट टाइम में होती है, तो उसे हम पैरासेक्सुअलिटी कहेंगे। जनरली पैरासेक्सुअल अकर्स इन दोस फंजाई इन विच ट्रू सेक्सुअल साइकिल डज नॉट टेक प्लेस, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो वो कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? पैरासेक्सुअलिटी। इसके एग्जाम्पल है ड्यूट्रोमाइकोटीना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें अब्सेंट होती है? ड्यूट्रोमाइकोटीना में, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। परफेक्ट फंजाई उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और इम्परफेक्ट में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो। जो ड्यूट्रोमाइकोटीना है, याद रखेगा जो अब रिसेंट क्लासिफिकेशन आई है ट्रू फंजाई में, ड्यूट्रोमाइकोटीना को रिप्लेस कर दिया गया है ग्लाइमेरोमाइसीट से, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि इसको चेंज कर दिया जाए। तो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे दो गमेट दो गमेट से दो डिफरेंट सोमेटिक सेल्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको लेक्चर समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।